जी सर एक बार दोबारा प्लीज। इंद्रजीत सिंह हूँ अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, और हमारे साथी सुमित और जय भगवान और सुरेखा, ये ट्रेड यूनियन की तरफ से है। और ये किसान मजदूर पदयात्रा जो 18 तारीख को हांसी से शुरू होगी और जींद से भी शुरू होगी, और उधर मथुरा से और भगत सिंह के गांव से, शहीद भगत सिंह के गांव से शुरू होनी है, उसमें किसान और मजदूरों की एकता बना के ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है देश में किसानों का, इसको मजबूत करने और इसको विस्तार देने के लिए इन पदयात्राओं का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस तरीके से सम्मिलित होंगे वॉलंटियर किसान मजदूरों के, उस तरीके से गांव-गांव जाके ऐसी पदयात्राएं हरियाणा में पिछले कई दशकों से नहीं हुई है। तो जिस तरह ये अभूतपूर्व आंदोलन है किसानों का, ऐसे ये पदयात्रा भी अभूतपूर्व होगी। और इसके अंदर हम जो मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, श्रम कानूनों को खत्म करने के, ऐसे ही जो तीन काले कानून हैं उनसे संबंधित हैं, या वो जो खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली, ये जिस तरह से प्रभावित होंगी, तो गांव-गांव जाके लोगों के बीच में हम इन मुद्दों को पहचान मतलब सामने रखते हुए उनको एक तरह से लामबंद करेंगे 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है, वहां पहुंचने के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर या सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और कल वाला जो हांसी से शुरू होने वाला है उसको हरी झंडी दिखाने के लिए शहीद भगत सिंह जी की भांजी हैं, जो खुद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन मुद्दों के लिए समर्पित हैं, वो हांसी पहुंचेंगी कल।